बाकी नेपाल एयरलाइंस के इस एयरबस A330 में हमारा फर्स्ट टाइम जर्नी होने वाला है। तो मस्त यहाँ पे 2 रुपए का आज लंच हो रहा है अपना। 1004 किलोमीटर पर आर के स्पीड से अपनी फ्लाइट चल रही है। इस फ्लाइट से हम लोग 1 मिनट में 17 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। ड्रिंक में आपको बियर का भी ऑप्शन मिलता है। अच्छा खासा ठंड है भाई। तो अभी मैंने $200 दिया तो मुझे ये नेपाली रुपया मिला। यहाँ पे लवली ने भी सिम ले लिया, देख लो एनसेल का। और यहाँ पे हम लोगों ने पता किया एक ऐप होता है पठाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था ये वाला सीरीज कब अपने चैनल पे मैं स्टार्ट करूँ, कब स्टार्ट करूँ। फाइनली बिना किसी देरी के मैंने ये वाला अपना सीरीज स्टार्ट कर दिया है। ये सीरीज क्या है, अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो नहीं करते हो तो मैं बता दूं, मैंने प्लान किया है कि 12 महीने में मुझे 12 कंट्री घूमना है। अब वो कंट्री कोई भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 12 कंट्री है मैं 6 महीने में भी कवर कर लूं, या फिर 12 महीने में भी ना हो पाए। चेकआउट करने वाला है ना, उसका फोन आ रहा है बार बार। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 12 महीने में 12 कंट्री, मेन फोकस है 12 कंट्री का, बस कंप्लीट करना है इस साल में 12 कंट्री जैसे भी कंप्लीट करना है। अब वो कैसे होता है कैसे नहीं, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सबसे पहले नेबर कंट्री से, जो कि है नेपाल। टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा। नेपाल जाने का एक और रीजन ये भी था क्योंकि देख लो ये जो सीरीज है ना, मैंने काफी लेट स्टार्ट करा। जो भी ये 12 कंट्री का चैलेंज है, मुझे जनवरी में किसी एक कंट्री में जैसे भी करके होना था। मेरे को सबसे ईजी लगा नेपाल, इसलिए जनवरी एंड में हम लोग जा रहे हैं अभी नेपाल। और नेपाल कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर आप बाय लैंड जाते हो, बाय एयर जाते हो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। पहले अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी देर में निकलना है। एक्चुअली शाम को फ्लाइट है अपना, लेकिन होटल तो 12 बजे चेकआउट करना होगा, इसलिए 12 बजे निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। ये अपना लगेज हो गया है रेडी यहाँ पे, और साथ ही आज का अपना ये ब्रेकफास्ट आलू पराठा दही अचार, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इससे बढ़िया शायद ही कुछ हो सकता है। एक्साइटेड नेपाल ट्रिप के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली काठमांडू और पोखरा के लिए। चलो जी, अभी होटल से हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। दिल्ली में क्या है ना कि मैंने एक चीज देखा, जब भी आप ऐसे निकलते हो कैब वगैरह लेते हो, आप कैब ऐसा बुक करना अगर 2 लोग हो तब ये कार में ठीक है, क्योंकि सामान आप अपने सामने रख दोगे। अगर आप सोच रहे हो 4 लोग हो और छोटी कार बुक कर रहे हो और लगेज भी है, तब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका पीछे में ना वो सिलेंडर होता है ना भैया, CNG का वो क्या बोलते हैं सिलेंडर होता है ना, इसलिए दिक्कत होता है। आपको सामने में ही रखना पड़ेगा सामान। वैसे भी टाइम देख लो 12:46 हो रहा है, लगभग 3:30 बजे का अपना फ्लाइट है। अभी एक काम करते हैं, फटाफट मम्मी को कॉल कर देते हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3। टाइम देख लो अभी 1:25 हो रहा है, 1:30 बज रहा है अभी लगभग। थोड़ा ट्रैफिक मिला हमें, बाकी उतना भी नहीं मिला। फाइनली अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो पहुंच चुके हैं, अभी जाते हैं एंट्री लेते हैं। बाहर अपना टिकट वगैरह चेक करा के, पासपोर्ट वगैरह दिखा के अभी अंदर एंटर कर गए। अभी ढूंढना पड़ेगा हमें नेपाल एयरलाइन का काउंटर, और देखते हैं वो कुछ पूछते हैं कि नहीं। वैसे तो नेपाल में इंडियंस के लिए ज्यादा कुछ ऐसा वीजा वगैरह रिक्वायर्ड है नहीं, बाकी बताएंगे क्या क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। अभी चलते हैं फटाफट काउंटर ढूंढते हैं और बोर्डिंग पास लेते हैं, सामान चेक इन देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फाइनली अपना काउंटर मिल गया, अपना काउंटर नंबर D था नेपाल एयरलाइंस का। जाते हैं भाई चेक इन करवाते हैं फटाफट। चलो भाई फाइनली हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है, यही अपना काउंटर है, खाली था काउंटर, लेकिन भाई एयर इंडिया के लिए भीड़ देख लो एक बार। भाई मैंने सोचा नहीं था कि नेपाल जाने के लिए भी हमारा इमिग्रेशन होगा, फिर सिक्योरिटी चेक हुआ और इमिग्रेशन में कुछ पूछा नहीं उन्होंने हमसे। भाई स्टैम्प भी लगा, क्योंकि आप जो नेपाल है ना वोटर कार्ड से जा सकते हो, आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर कार्ड चलेगा, अदरवाइज पासपोर्ट फॉर इंडियन सिटीजन। तो हाँ, अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन अपने पास पासपोर्ट था तो स्टैम्प भी लग गया। पेज मुझे जल्दी अभी भरना नहीं है क्योंकि अभी काफी लंबा, लाइक 12 कंट्री हमें कवर करना है, तो वो भी एक दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, वैसे एक बात के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें ड्यूटी फ्री जोन भी मिलेगा। दिल्ली ड्यूटी फ्री, ये तो सही है, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देखो सिंपल सा बात है भाई, ड्यूटी फ्री फेमस होता है अगर आप वाइन विस्की ले जाते हो तो उनके लिए तो बेस्ट है ये, बहुत सारा ऑप्शन है। वाइन विस्की नहीं, परफ्यूम वगैरह भी काफी अच्छा मिलता है यहाँ पे, बहुत बड़ा है भाई दिल्ली का जो ड्यूटी फ्री है ना, बहुत ही बड़ा है। परफ्यूम ऑलरेडी मैंने अभी रिसेंटली परचेस करा है, तो यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट में अगर आपका फ्लाइट शाम के 6 बजे भी है ना, आप 5-4 घंटे पहले भी आ जाओ, अच्छा खासा टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। एयरपोर्ट घूमते घूमते आपका टाइम पास हो जाएगा। भाई समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, काफी बड़े बड़े ब्रांड है, लेकिन यहाँ खर्च मत कर देना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी देखते हैं लाउंज में, भूख है अभी
देखते हैं, अगर भाई हल्का फुल्का खाना है तो बाहर ही खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लाउंज के लिए क्रेडिट कार्ड भी अच्छा होना चाहिए। आजकल तो भाई मैंने देखा है नॉर्मल कार्ड सब में ना मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते वो। अभी हम लोग इनके फूड कोर्ट में आ गए ऊपर की तरफ। मैकडी, सबवे, डोमिनोज, केएफसी, इडली.com सब कुछ मिल जाएगा भाई यहाँ पे, सब कुछ। देखते हैं हमारा प्लान हो रहा है लाउंज में जाने का, अभी जाते हैं ये इनक्लेम लाउंज में। लास्ट टाइम याद है हम लोग थाईलैंड जा रहे थे तो इधर ही आए थे, हम लोग काफी देर बैठ के यहीं पे गपशप हुआ था हमारा। फाइनली लाउंज में हमें एंट्री तो मिल चुका है, और ये आते ही देख लो मस्त मैंने यहाँ पे सरसों दा साग और मक्के दी रोटी ले लिया है। पास्ता पता नहीं क्यों मैंने लिया है, साथ ही वेल भी मिल रहा था। लवली का भी भैया पास्ता लेकर आ गया। पास्ता देखकर एक अलग ही लालच आ जाता है ना, मन करता है ले ले थोड़ा सा। बाकी अभी लाउंजेस का बहुत नाटक हो गया है, खास करके अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास अच्छा कार्ड होना पड़ेगा तभी अंदर एंट्री, अदरवाइज नहीं है। कोई कार्ड ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो। फाइनली मेरे पास था, बच गया मैं तो मस्त। यहाँ पे 2 रुपए का आज लंच हो रहा है अपना कितना कितना पैसा का लंच हो जाता है ये 2 रुपए में, मतलब तसल्ली मिल जाता है खाकर। हम कभी लाउंज के खाने का जल्दी तारीफ नहीं करते, लेकिन ये जो खाना है तारीफ के काबिल है भाई, हर चीज बहुत अच्छा है। ये भेल मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने दोबारा ले लिया है। बहुत बढ़िया लाउंज है, लेकिन जो भी बोलो दिल्ली का जो लाउंज है ना बहुत अच्छा है, खास करके इंटरनेशनल लाउंज यहाँ का। यहाँ के इंटरनेशनल लाउंज को 10/10 मेरे साइड से। खाना भी अच्छा, जगह भी अच्छा, साफ सफाई भी बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट का लाउंज देख लो भाई साहब, एक नंबर लाउंज। साइड में ना अल्कोहल काउंटर है, अनलिमिटेड अल्कोहल भाई। हम लोग तो पानी पी के ही काम चला रहे हैं, लोग तो भाई ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहे हैं, ड्रिंक पे ड्रिंक। चलो निकलते हैं बाहर, टाइम हो गया अपना। अभी तक का मेरा विजिट किया हुआ वन ऑफ द बेस्ट लाउंज मैं बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट यही था, देख लो इनक्लेम लाउंज। मजा आ गया भाई, ऑप्शन भी इनके पास बहुत अच्छा खासा था और जो भी था ना काफी टेस्टी था। वैसे मैं बता दूं जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल, नेपाल एयरलाइंस से दिल्ली से मुझे फ्लाइट मिला, और मैं बता दूं फ्लाइट मेरे को 3,500 रुपए का पड़ा भाई, मेरे को काफी सस्ता लगा इसलिए मैंने 2 टिकट बुक कर लिया फटाफट। अदरवाइज नेपाल जाने के लिए ना 4 शायद मैंने सुना है बॉर्डर है, एक तो सनौली बॉर्डर है, रक्सौल है, एक सिलीगुड़ी में है ना पानी टंकी, वहां से भी आप जा सकते हो, एक और है मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, आप लोग कमेंट करके बता देना क्या मैं भूल रहा था। अगर आप इन सब बॉर्डर से जाओगे ना लैंड बॉर्डर से तो आपको बस वोटर कार्ड ही दिखाना पड़ेगा अपना। एक बात याद रखना आधार कार्ड भाई एक्सेप्ट नहीं करते, आधार कार्ड नहीं देखते ये, या तो वोटर कार्ड होना पड़ेगा या तो पासपोर्ट, तो अपने पास तो दोनों ही है। बाकी कुछ ऐसा एयरपोर्ट है दिल्ली का। चलो अब चलते हैं गेट पे ना, बहुत लेट हो गया। 3:50 का अपना बोर्डिंग टाइम है, 3:44 हो गया यहीं पे। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गेट के पास, गेट नंबर 12, और भाई साहब जो चलना पड़ रहा है ना हमें एकदम एंड में कहाँ घुसा हुआ है गेट। पहले पता होता तो पहले ही मतलब जल्दी खाकर निकल जाते हैं। बहुत बड़ा है, सही बात है। अभी तो भाई इतने देर चलने के बाद गेट नंबर 4 आया है, 12 पता नहीं कहाँ पे होगा। और भाई तो भाई उधर है अपना गेट, गेट नंबर 12 दिख रहा होगा आपको। अभी 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होगा, वैसे 3:50 में होने वाला था, अभी देख लो 4 बज चुका है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है। यही एयरपोर्ट है देख लो। वैसे देखो मैंने बताया ना हमारी फ्लाइट ऑलरेडी आ चुकी है, यही है देख लो नेपाल वायु सेवा। और अगर आप देखोगे ना फ्रंट साइड में लिखा हुआ है मकालू, आपको ही पता है जो नेपाल है हिमालयस के लिए कितना फेमस है, हिमालयस रेंज के लिए, तो वही एक देख लो मकालू भी लिखा हुआ है वहाँ पे। बाकी नेपाल एयरलाइंस के इस एयरबस A330 में हमारा फर्स्ट टाइम जर्नी होने वाला है, सारा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। की तरफ देख लो एथियार्ड भी है, इंडिगो भी है, इंडिगो जो है वो दुबई जा रहा है, एथियार्ड जा रहा है अबू धाबी। अभी ऑलरेडी 4:30 हो गया, काठमांडू जाते जाते ना 6:30 बजे तक पहुंचेंगे, और जो काठमांडू है इंडिया से 15 मिनट आगे चलता है। तो हाँ मैं बता दूं जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो टाइम डिफरेंस है ना वो 15 मिनट का है, 15 मिनट नेपाल आगे है, इंडिया 15 मिनट पीछे है। तो देखो कब तक पहुंचते हैं, जैसा होगा आपको अपडेट मिलते रहेगा। चलो जी अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, जाते हैं, पता नहीं अपना नंबर कब आएगा। तो देख लो जी ये रही अपनी आज की सवारी, नेपाल एयरलाइंस की एयरबस A330। भाई फर्स्ट इम्प्रेशन में तो काफी अच्छा लग रहा है यार, सीट्स अपना 19 है वैसे, अच्छा लग रहा है ना देखते हैं। और सीट लेआउट देख लो 2x4x2 का है, ये अपनी सीट है, सीट नंबर ANC। चलो भाई हम लोग अंदर तो अभी आ गए, ये अपना सीट है। सीट कम्फर्ट कैसा लगा अभी? रिक्लाइन करो, हो जाएगा रिक्लाइन अभी, ठीक है। और एक चीज है देखो, याद है थाई एयरवेज में ये हेडरेस्ट के लिए जो देते हैं, आराम से आप रख के सो सकते हो, बाकी कुशनिंग वगैरह देखकर अच्छा ही लग रहा है। बाकी अभी अपने सीट पे तो बैठ गए हैं, ये जो सामने की तरफ स्क्रीन देख रहे हो ना काफी अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही स्मूथ है यार। मेरे को पता है थाई एयरवेज में भी काफी अच्छा मिला था, सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ था एमिरेट्स वाले में, ऐसे ऐसे दबाना पड़ता था। मूविंग मैप इज करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। और भी देखते हैं क्या क्या, बहुत कुछ है अभी, जर्नी स्टार्ट होने तो तब बताएंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सीट कम्फर्ट का तो बढ़िया लग रहा है, वही इंडिगो वाला ही सीट है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स के साथ। बाकी यहाँ पे देख लो ट्रे टेबल, ये तो वो नेपाल एयर का वोमिट बैग है, होप कि किसी को जरूरत ना पड़े इसका। और ये देख लो संग्रीला,
नेपाल एयरलाइन की तरफ से एक मैगजीन भी है जिसमें नेपाल के बारे में काफी कुछ लिखा होगा, तो देखेंगे टाइम मिलेगा तो ये भी पढ़ते हुए जाएंगे थोड़ा बहुत। और इसके अलावा लाइक ये जो अपना A330 है सारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, और विंडो उतना क्लीन नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ व्यू तो दिखा सकते हैं और एकदम विंग वाला सीट मिल गया यार। बाकी लेग स्पेस देख लो, ठीक है मैं पैर इसके अंदर ही रखने वाला हूँ, अभी तक टेक ऑफ हुआ नहीं, अभी भी काफी लोग बोर्ड ही कर रहे हैं, और ये मम्मी से अभी वीडियो कॉल में बात हो रहा था। चलो मम्मी ठीक है, नेपाल पहुंच के वहाँ का लोकल नंबर लेकर करते हैं कॉल। जय माता दी, बाय। वैसे चार्जिंग के लिए यहाँ पे देख लो USB दिया हुआ है और 3.5 mm का जैक भी है, पता नहीं ये प्रोवाइड करते हैं या फिर खुद का लाना पड़ेगा, क्योंकि मूवी वगैरह तो ऐसे साउंड में तो देख नहीं पाएंगे ना। पूछते हैं अगर मिलता है तो लेते हैं अपने लिए भी, क्योंकि टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। बाकी दिखाते हैं आपको और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। होम में अगर मैं जाता हूँ तो मूवीज, हैरी पॉटर कभी खुशी कभी गम, जन्नत 2 भी है, सुल्तान मूवी है, थलाइवा है। ऑडियो देख लो भाई, आप गाना वगैरह भी सुन सकते हो। बॉलीवुड में देख लो, बॉलीवुड का इतना कम कलेक्शन क्यों है भाई, बाकी है जितना है सही है। अच्छा आप इसका ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, बाकी यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जस्ट मैंने पानी के लिए बोला तो सर्विस तो भाई साहब एक नंबर है, तुरंत मिल गया मुझे पानी, सेम इंडिगो की तरह, जैसे डिस्पोजल कप में इंडिगो वाले देते हैं ना वैसे ही है। अभी हमें नेपाल एयरलाइंस की तरफ से देख लो वाइप्स भी मिल गया, जैसे बिजनेस क्लास में देते है ना हॉट टॉल, उसकी जगह इन्होंने ये वाइप्स दे दिया है, रिफ्रेशिंग वाइप्स, ये भी सही है, हाथ वाथ पोछने का काम आ जाता है। 4:50 में हमारा यहाँ से दिल्ली से डिपार्चर टाइम था और अभी देख लो 5:30 बजने को आया, अभी तक हम लोग रनवे तक में नहीं पहुंचे, वही एरो ब्रिज के पास ही खड़ी है अपनी फ्लाइट। अभी देख लो अंदर की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी है क्योंकि अभी हम लोग बढ़ रहे हैं रनवे की तरफ। 6:35 में काठमांडू लैंड होने का टाइम है, अभी भी 1 घंटा है हमारे पास। फाइनली अभी हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं, जय माता दी। वैसे अभी हमारा एल्टीट्यूड देख लो सी लेवल से 186 मीटर है, देखते हैं ये जो फ्लाइट है ना अपनी कितने हाइट तक जाती है। टेक ऑफ तो कर चुका है और अभी इतना ज्यादा फॉग है कि कुछ दिख भी नहीं रहा है। वैसे अभी अपने फ्लाइट का स्पीड देख लो 3:52, टाइम देख लो अभी 5:54 में हम लोगों ने टेक ऑफ करा है, देखो कब तक पहुंचते हैं हम लोग नेपाल। स्पीड देख लो भाई साहब बढ़ते ही जा रहा है, थोड़ा ही ऊपर आते देख लो नजारे बदल चुके हैं एकदम, और अपने फ्लाइट का एक बार स्पीड देख लो, अगर आप एलिवेशन देखोगे ना 6,608 मीटर, बस थोड़ी देर में हम लोग माउंट एवरेस्ट की हाइट में पहुंचने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट शायद 8,848 है। थोड़ी देर में अभी सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये देख लो फ्लाइट टेक ऑफ करते ही सो गई। अभी मस्त खाने का सर्विस वगैरह स्टार्ट हो गया है, हम लोगों ने कुछ वेज मील ऑर्डर किया था ना, कुछ वेज नॉन वेज ऐसा मील ऑर्डर किया था हम लोगों ने, याद नहीं आ रहा है मुझे, जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा एलिवेशन देख लो 9,100 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर हम लोग हैं। अभी फ्लाइट का स्पीड देख लो 1000 बस टच कर ही लिया हम लोग। ओ भाई साहब 1,004 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपनी फ्लाइट चल रही है। इस फ्लाइट से हम लोग 1 मिनट में 17 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। अभी टाइम देख लो 6:11 हो रहा है, बस टेक ऑफ करते ही हमें ये सब कुछ मिल चुका है अभी। और स्पेशली देख लो हम लोगों ने ये एक ले लिया है, ड्रिंक में आपको बियर का भी ऑप्शन मिलता है, बाय द वे ये अपना नहीं बगल वाले पैसेंजर का है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए लिया है, एक्सक्यूज मी। तो हाँ ड्रिंक में बियर का भी ऑप्शन है, अदरवाइज जूस में मिक्स फ्रूट जूस, एप्पल जूस, स्प्राइट वगैरह भी था। तो दिखा देते हैं आपको वेज में क्या है नॉन वेज में क्या है। तो यहाँ पे देख लो नॉन वेज में हमें मिला है नासी गोरेंग, आपको याद होगा हम लोगों ने इंडोनेशिया में बहुत खाया था, बट ये अलग लग रहा है, नासी गोरेंग जैसा तो नहीं है। अगर आपको अच्छा वाला नासी गोरेंग देखना है तो अपना इंडोनेशियन सीरीज देखो, मिल जाएगा आपको। बाकी ब्राउनी भी है, एक बन भी है, बटर है, बाकी कटलेरीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये ले जा सकते हैं क्या साथ में, इसके अंदर टूथपिक वगैरह बहुत कुछ है, सॉल्ट एंड पेपर भी है। और ये वेज मील मैंने ऑर्डर किया है तो इसमें देख लो पुलाव है, साथ में मशरूम की सब्जी है, ब्राउनी भी है, बाकी सब सेम है, बन बटर कटलेरीज सब कुछ सेम है, इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी एक काम करते हैं इन खाने को ट्राई करते हैं, बाकी आपको रिव्यू भी देते हैं। नासी गोरेंग का राइस तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस राइस ही अच्छा लगा, उसमें जो चिकन है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, मतलब काफी मतलब उसको च्यू करना पड़ रहा है, कच्चा कच्चा सा लग रहा है। बाकी ये देखो कैसा है मशरूम राइस, कैसा लग रहा है, फीका फीका लग रहा होगा, थाई एयरवेज का लेकिन खाना ज्यादा अच्छा था। और हम लोगों ने कुछ हिंदू वेज हिंदू मील और वेज नॉन वेज हिंदू मील ऑर्डर किया था, ये किसी भी एंगल से हिंदू मील तो नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, ओवरऑल यही खाना है अपना, कंप्लीट करते हैं क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग लैंड भी कर जाएंगे। चलो जी अभी मैंने खाना खा लिया, अभी आपको दिखाते हैं इनका वॉशरूम। तो ये है देख लो नेपाल एयरलाइंस का वॉशरूम, ठीक है यहाँ पे देख लो कोट वगैरह आप अपना हैंग कर सकते हो अगर आपको फ्रेशन अप होना है तो। इसके अलावा ठीक है वॉशरूम का साफ सफाई काफी अच्छा है, अगर आपके साथ कोई बेबी है तो उसके लिए ये है, ताकि आप यहाँ पे उसको बैठा के उसका डायपर वगैरह चेंज कर सकते हो,
सामने की तरफ देख लो, यहाँ पे आपको सोप डिस्पेंसर मिल जाएगा, ये ठंडा गर्म पानी, और यहाँ मिल जाएगा आपको टिश्यू, हाथ पोछो, इसको ऐसे पुश करो, सारा कचरा अंदर। यहाँ सामने की तरफ एक मिरर भी है और यहाँ भी आपको टिश्यू वगैरह मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग लैंड करने वाले हैं, जाते हैं अपने सीट में बैठते हैं, अदरवाइज वॉशरूम काफी अच्छा है। चलो अभी अपने सीट पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं एक मूवी देख रहा हूँ। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो बताना कौन सा मूवी देख रहा हूँ मैं। थाई एयरवेज के साथ ट्रैवल कर रहा था ना, वॉशरूम है ना, परफ्यूम लोशन वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। अगर आपने मेरा थाई एयरवेज का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, हो सकता है छोटा फ्लाइट है इसलिए नहीं हो, लॉन्ग फ्लाइट सब में रहता ही होगा या फिर बिजनेस क्लास में होगा। वैसे अभी हमारा एल्टीट्यूड देख लो 1185 सी लेवल से, ये 1185 मीटर है। अब धीरे धीरे हम लोग डाउन जा रहे हैं तो थोड़ी देर में लैंड हो जाएंगे हम लोग। बस अभी हम लोग लैंड करने ही वाले हैं। वेलकम टू नेपाल मैडम, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना नेपाल में? चलो एक और कंट्री ऐड हो गया। चलो जी अभी टाइम आ गया है फ्लाइट को डीबोर्ड करने का, और सामने की तरफ बिजनेस क्लास भी दिख रहा है हमें। ठंडकपन महसूस हुआ बाहर निकलते ही, नहीं ठंडक फील हुआ, लग रहा कोई फ्रीजर में डाल दिया क्या। अच्छा खासा ठंड है भाई। यही अपना बस था देख लो, ये सामने की तरफ नेपाल एयरलाइन का बस। नेपाल के बहुत सारे एयरलाइन हम लोग ट्रैवल भी करने वाले हैं। फिलहाल अभी अराइवल में आ गए हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं फिर मिलते हैं। चलो अभी अराइवल गेट के अंदर एंटर करते हैं। नेपाल द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, नेपाल भगवान बुद्ध को जन्मभूमि। फाइनली अभी हम लोग एग्जिट कर चुके हैं और यहाँ भी हमारा इमिग्रेशन हुआ, कुछ पूछे नहीं, हुआ कुछ भी नहीं, बस पासपोर्ट लिया उन्होंने, टिकट चेक करा, स्टैंप लगा दिया, अराइवल का स्टैंप भी लग चुका है हमारा। बाकी देख लो कुछ ऐसा एयरपोर्ट है। अभी काफी लोगों ने रिकमेंड किया मुझे एनसेल का सिम लेने के लिए, और नेपाल टेलीकॉम का भी देखते हैं मैं कौन सा लेता हूँ, दोनों ही ले लेंगे एक एक करके, एक मैं यूज करूंगा एक लवली। अभी हम लोग एग्जिट हुए हैं और वापस से यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी चेक इन होता है ना वैसे हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एग्जिट के टाइम भी ऐसा हो रहा है। वहाँ से सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद अभी आ गए हैं बैगेज क्लेम के लिए। फाइनली हम लोगों ने लगेज अपना रिसीव कर लिया है। अभी अपने इंडिया का जो लोकल टाइम हो रहा है ना 7:40 हो रहा है, नेपाल का टाइम देख लो 7:54 हो रहा है। अभी यहाँ पे निकलते ही देख लो येटी मनी एक्सचेंज दिख रहा है हमें। ये एनसेल का सिम काफी लोगों ने रिकमेंड करा था, देखते हैं कौन सा लेता हूँ मैं अपने लिए। तो अभी मैंने $200 दिया तो मुझे ये नेपाली रुपया मिला 25,900। वैसे तो रेट 132 है लेकिन एयरपोर्ट में 129 मिल रहा है। अभी नो स्लिप, स्लिप लेना जरूरी है ना। एक्सचेंज करवा के अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर मुझे नेपाल टेलीकॉम का काउंटर दिख गया, यहाँ से मुझे सिम तो लेना ही है। डॉलर का रेट सब जगह सेम ही है और यहाँ पे इंडियन रुपीस को एक्सचेंज नहीं कर रहा, लेकिन इंडियन करेंसी चल जाता है। मेरे को तो भाई एक यूट्यूबर को इंटरनेट का कितना जरूरत होता है आपको ही पता है। यहाँ पे देख लो मैंने ये 35 GB वाला पैक लिया है, 800 रुपए इसका प्राइस है। नेपाली रुपीस में आपको 1200 रुपए पे करना पड़ेगा और इंडियन में 800 रुपीस लगेगा। हर करेंसी में रेट लिखा हुआ है। इसके लिए आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो। बाकी ये चीज काफी अच्छा है कि अगर ये खत्म हो जाता है तो आप रिचार्ज भी करवा सकते हो। तो 35 GB मेरे को लग रहा है बहुत है, हो जाएगा काम। वीडियो अपलोड का तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। चलो फाइनली अपने लिए मैंने नेपाल टेलीकॉम का सिम ले लिया है, जिसके लिए मैंने पे किया 800 रुपए, 800 इंडियन रुपीस, नेपाली रुपीस में वो हो जाता है 1200 रुपए। अभी मेरे को ये हिसाब किताब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी एक और सिम ले लेते हैं एनसेल का। यहाँ पे वैसे टोटल 3 प्लान है, कौन सा ले यहाँ पे 25 GB? ओके, तो यहाँ पे आपको रेट आपने देख लिया, वीडियो को पॉज करके देख लो। 100 नेपाली रुपीज में आपको 200 MB मिलेगा, बाकी कॉल भी ऐड है। 500 में आपको 10 GB डेटा मिलेगा, बाकी इसको रिचार्ज करवा सकते हो आप। और ये प्रीमियम प्लान में 1000 रुपए में आपको 25 GB मिलेगा। तो हम लोग यही ले लेते हैं, 1000 वाले ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पे लवली ने भी सिम ले लिया देख लो एनसेल का। बाकी अभी एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने पता किया एक ऐप होता है पठाओ, जैसे हमारे वहाँ उबर ओला होता है ना, तो ये पठाओ काफी हेल्प करेगा। बांग्ला इंग्लिश नेपाली 3 लैंग्वेज है, गेट एनीवेयर एनी टाइम। अच्छा आप बाइक भी ये कर सकते हो, खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। श्रीलंका में भी यूज कर रहे थे ना कुछ ऐसा ही है। बाकी यहाँ पे अपना नंबर देना होगा हमें। चलो ये सब अभी ये करते हैं, बाकी इस ऐप के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। देखो एयरपोर्ट पूरा खाली हो चुका है, बस हम लोग ही है यहाँ पे। नेपाल का वैसे ड्यूटी फ्री एरिया नहीं दिखा हमें, जाते बस एक ही दिखा, वाइन वगैरह का शॉप था पास में। चलो अपने पास ऐप भी है, कोई दिक्कत होगा नहीं। और सैमसंग S24 Ultra का एक बार एडवर्टीजमेंट देख लो भाई साहब, ये लग रहा है कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाला है। देख लो नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा लाइक मनी एक्सचेंज भी। देख लो भाई ये काठमांडू एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं हम लोग। एक्चुअली कैब बुक कर रहे हैं लेकिन लोकेशन थोड़ा सा ना मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है। ये देखो दिखा रहा है डेस्टिनेशन एड्रेस इज टू क्लोज, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो ये सब बुक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये एयरपोर्ट का एंट्रेंस है देख लो, यही हमारा उबर में, बार बार उबर क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। ये पठाओ ऐप का लोकेशन भी हमारा यही है। एयरपोर्ट के बाहर कितना बता रहा था, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, और हम लोगों ने पता कितने में बुक किया, ये देख लो 427 रुपीज में। तो आप भी ध्यान रखना जब भी आ रहे हो तो ये ऐप डाउनलोड कर लो पठाओ, तो इससे क्या होगा ना काफी पैसे आप बचा सकते हो और इससे आप खाना वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो, जो कि हम लोग करेंगे अभी आने वाले टाइम में। लो जी ये अपना कैब आ चुका है, ये सही है ना। नमस्ते भैया, नमस्ते। एक लगेज आगे रख दो,
आपका फोन है देख लेना भैया। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कोई ओटीपी का सिस्टम होगा। वैसे नेपाल का टेम्परेचर चेक कर लो, 8 डिग्री है, बट फील्स लाइक बोल सकते हैं 6-7 तो फील हो ही रहा है। कैब के अंदर ठीक लग रहा है भाई, बाहर तो बहुत ठंड है। बाकी रात में ज्यादा कुछ तो है नहीं दिखाने को, बाकी अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया सिटी लग रहा है। ये सामने में देख लो पशुपतिनाथ टेम्पल, यहाँ तो आना ही है भाई, वो आप नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में। इसका टाइमिंग क्या है भैया? टाइमिंग मतलब ये ओपन कब होता है सुबह? दर्शन करने का टाइम 5 बजे। 5 बजे और रात के कब तक ओपन रहता है? रात के 8:30 बजे तक। ओके। लोकेशन काफी अच्छा है, सामने में ही फेयरफील्ड बाय मैरियट है। चलो जी फाइनली अभी हम लोग होटल में चेक इन कर गए, और होटल में चेक इन करते करते भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अभी टाइम देख लो 8:46 हो रहा है। सोचे थे कि आकर थोड़ा सा आसपास में घूमने के लिए जाएंगे, वॉक करने जाएंगे, बट भाई आते आते इतना लेट हो गया। अभी भी जा सकते हैं लेकिन अभी पता नहीं क्यों थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है, अभी क्या ही जाएंगे बाहर। और बाहर वैसे भी काफी ज्यादा ठंड है, इसलिए मस्त एकदम हीटर ऑन करके बैठे हम लोग। ओवरऑल अगर अपने फ्लाइट की बात करूं ना तो काफी छोटा सा जर्नी था, जैसे अपना वो श्रीलंकन एयरलाइन का जर्नी था ना वैसे ही हमें लगा। छोटा फ्लाइट था फिर भी काफी अच्छा, खाना पीना ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ सर्व कर रहे थे वो। और जितना हम लोगों ने पे किया था 3500 रुपीज पर पर्सन, उस हिसाब से तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आते वक्त मैंने पता किया, एक दो लोगों से मैंने बात भी किया, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आप आराम से आ सकते हो वोटर कार्ड लेकर। आपसे जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ना तब आप अपना वोटर कार्ड दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। काफी लोग लेकर आए थे। और रहा बात सिम का, जैसे मैंने सिम परचेस किया, करेंसी एक्सचेंज करवाया, इंडियंस के लिए वोटर कार्ड भी अलाउ है। सिम वाले तो बोल रहे थे आधार कार्ड भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपके पास वोटर कार्ड रहेगा ना काफी इजी रहेगा ट्रैवल के लिए। तो अगर आप नेपाल एंटर कर रहे हो एटलीस्ट आपके पास एक वोटर कार्ड तो होना ही चाहिए। बाकी ओवरऑल आपने एक्सपीरियंस देखा कैसा रहा कैसा नहीं, बाकी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ना इसका अच्छे से टूर दे देंगे, ये रूम का, नेपाल कितना महंगा है, क्या क्या आसपास का जगह है घूमने के लिए, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। ये होटल मैंने कितने में बुक किया ये भी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बता देंगे। फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट क्लियर करने का। बाकी चलो अगर यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। All I ever wanted was to have it all.